हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चंस थे? इसमें 7 क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो चाहिए आपको स्मॉल एमसीक्यूज आए, चाहिए आपको लार्ज एमसीक्यूज आए, दोनों को करने की स्ट्रैटेजी एक ही है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहला काम क्या है, हमने क्वेश्चन में से कीवर्ड को पिक करना है, देन ऑप्शन में से कीवर्ड को पिक करना है। जैसे देखो, द ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट, मतलब जो सबसे ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? अगर वो बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑप्शन ए आएगा, अगर बोलेंगे अफ्रीका है तो बी, अगर अंटार्कटिका बोलेंगे तो सी आएगा। सेकंड क्या है, द इवेपोरेशन रेट इन ऑस्ट्रेलिया, कि जो इवेपोरेशन रेट है ऑस्ट्रेलिया में वो कितना है? अब ये देखो, कीवर्ड हमारा क्या होगा, इवेपोरेशन रेट, ठीक है? अब देखो, ऑप्शन में से कीवर्ड को कैसे पिक करना है, लोअर देन, हायर देन, सेम, इनको मार्क करना है, पूरे को नहीं मार्क करना होता। ये जो कीवर्ड्स होते हैं, लोअर, हायर, सेम, इनको मार्क करना है, ठीक है? उसके बाद रेनफॉल इन ऑस्ट्रेलिया हार्डली पेनिट्रेट द सॉइल बिकॉज, क्यों प्रॉब्लम आती है उसको? तो हमारा कीवर्ड क्या होगा, रेनफॉल, ठीक है? अब इसमें से कीवर्ड क्या होगा, हार्ड, हॉट या फिर प्लांट, ठीक है? फोर्थ में, इन सैंडी सॉइल वाटर कैन, अब यहाँ पे कीवर्ड क्या होगा, सैंडी सॉइल, ठीक है? अगर वो बोलेंगे इवेपोरेट क्विकली तो ये आ जाएगा, अगर वो रॉक की बात करेंगे तो बी आ जाएगा, अगर सॉइल अवे बोलेंगे तो सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वाटर इज मेनली पम्प्ड फॉर, मेनली वो किस चीज़ के लिए पम्प्ड किया जाता था, पीपल्स के लिए, एनिमल्स के लिए या फिर क्रॉप्स के लिए? पीपल, एनिमल, क्रॉप्स क्या हो गए हमारे कीवर्ड हो गए। उसके बाद क्या है, नेचुरल स्प्रिंग्स आर लोकेटेड, अब यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या होगा, नेचुरल स्प्रिंग, ठीक है? अब इसमें जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमारा कीवर्ड क्या होगा, अनएक्सप्लोर्ड पार्ट, ऑल ऑस्ट्रेलिया, फ्यू एरिया, ठीक है? वो आपको कंफ्यूज करेगा, अनएक्सप्लोर्ड में, ऑल में, फ्यू एरियाज में, तो आपने ध्यान से सुनना कि वो किस चीज़ में बोल रही हैं। लास्ट है अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, कि जो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है वो 18% है, 48% है या फिर 80% है, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होगी, ध्यान से सुनना कि वो कैसे इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है? तो वन बाय वन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी। Because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 7. Good morning. This morning, we are continuing our look at Australia and its natural problems. Actually, dryness, or aridity, as it is generally called by geographers, is probably the most challenging of Australia's natural problems. And so it's very important in this course for you to have a good understanding of the subject. For Australia, water is a precious resource, and its wise management is of the greatest importance. As I've said, Australia is a dry continent, second only to Antarctica. हाँ जी, so इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ड्राई कॉन्टिनेंट है, लेकिन दूसरे नंबर पे आता है किससे, अंटार्कटिका से। दोबारा देखो, हमें क्वेश्चन में था ड्राइएस्ट देखना, हमने सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट क्या है, उन्होंने बोला कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो ड्राई कॉन्टिनेंट तो है लेकिन वो सेकंड नंबर पे आता है, अंटार्कटिका के सेकंड नंबर पे आता है, तो पहले नंबर पे क्या है, अंटार्कटिका। जो ऑस्ट्रेलिया है वो सेकंड है लेकिन पहले
पहले नंबर पे क्या आएगा? अंटार्कटिका, क्योंकि हमें ये नहीं पूछा था कि दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन, तो उन्होंने हमें पूछा था ड्राइएस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो उन्होंने बोला अंटार्कटिका है। जो ऑस्ट्रेलिया है वो अंटार्कटिका के बाद आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तो ड्राइएस्ट कौन सा है, वो आया हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं इवेपोरेशन रेट, लोअर था, हायर था या फिर सेम था? Lack of rainfall, long hours of hot sunshine and searing winds give Australia an extremely high rate of evaporation. Evaporation आ गया, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमने इवेपोरेशन रेट को मार्क किया था और यहाँ पर भी उन्होंने बोल दिया रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब देखते हैं लोअर है, हायर है या फिर सेम है? Far more than in most other countries. हाँ जी, सो उन्होंने क्या बोला, फार मोर, ज़्यादा है, सो ज़्यादा किसके साथ मैच होगा, हायर के साथ, सो ऑप्शन बी क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे हायर है और ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला, मोर बोला। अब थर्ड देखते हैं कि हार्डली पेनिट्रेट क्यों होती थी रेनफॉल, हार्ड के कारण, हॉट के कारण या फिर प्लांट्स के कारण? Over 60% in Europe and Africa and 48% in North America. You generally think of Africa as being a very hot and dry place, but it's not in comparison with Australia. In many parts of Australia, standing water, that is, dams, puddles and so forth, dry up rapidly, and some rainfall barely penetrates the soil. Penetrate की बात होगी, मतलब question start हो गया, अब देखते हैं कि क्या बोलते हैं, वो hard है, hot है, जहाँ फिर plants की वजह से वो hardly penetrate होती है। The reason for this is that the moisture is absorbed by thirsty plants. हाँ जी, क्यों? रीज़न क्या था? क्योंकि ये जो मॉइस्चर है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता था प्लांट्स के द्वारा। अब जो प्लांट्स का ऑप्शन है, ठीक है, जो प्लांट्स का ऑप्शन है वो कहाँ पे है? सी में, तो आंसर क्या आएगा हमारा, सी। सॉइल की तो बात नहीं की ना उन्होंने कि सॉइल हार्ड है, सॉइल हॉट है, उन्होंने क्या बोला कि जो मेन रीज़न है वो है कि इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं प्लांट्स, सो प्लांट किस में है, सी में, ठीक है, कि जो सैंडी सॉइल का वाटर है वो अगर वो बोलते हैं इवेपोरेट होता है क्विकली तो ए आ जाएगा, अगर वो सीप डाउन रॉक की तरफ जाते हैं तो बी आ जाएगा, अगर वॉश अवे होता है सॉइल के साथ तो सी आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर ड्राई बिकॉज रेन वाटर सीप्स क्विकली थ्रू सैंडी सॉइल्स एंड इनटू द रॉक बिलो। हाँ जी, सो क्या बोला उन्होंने, सीप डाउन टू द रॉक, ठीक है, यही बोला ना उन्होंने कि सैंडी सॉइल है जो वो क्या हो जाती है, रॉक की तरफ जाती है, तो यहाँ पे हमें गिवन था डाउन, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, बिलो, रॉक के बिलो जाती है, सो आंसर क्या आएगा इसका, बी। फिफ्थ देखते हैं कि जो वाटर है वो पंप किया जाता है लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए या फिर क्रॉप्स के लिए? वाटर फ्रॉम दीज सबटेरेनियन लेक्स कैन बी पंप्ड टू द सरफेस एंड टैप्ड And so used for various purposes above the ground. In fact, extensive underground water resources are available over more than half of Australia's land area. But most of the water is too salty to be used for human consumption or for the irrigation of crops. However, most inland farmers do rely on this water for watering their animals. इसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है कि ये जो पंप वाटर है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है, काफ़ी ज़्यादा ये सॉल्टी होता है, सो इसको लोग पी नहीं सकते और क्रॉप्स में इसको यूज़ नहीं कर सकते, सो जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं वो रिलाई, मतलब डिपेंड होते हैं इस वाटर के ऊपर ताकि वो अपने एनिमल्स को ये वाला पानी दे सके, सो किसके साथ मैच होगा, बी के साथ, क्योंकि पी तो सकते नहीं है वो, क्रॉप्स को भी नहीं डाल सकते क्योंकि ये क्या होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को पीने के लिए दे सकते हैं, फार्मर्स इसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सो इसका आंसर आएगा बी। उसके बाद है कि जो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं वो कहाँ पर है, अनएक्सप्लोर्ड पार्ट के ऊपर है, पूरे ऑस्ट्रेलिया में है या फिर फ्यू एरियाज में है, सो लेट्स सी। टू अ लेसर एक्सटेंट फॉर इरिगेशन, अंडरग्राउंड वाटर कैन फ्लो वेरी लार्ज डिस्टेंसेस
and can be kept in underground reservoirs for a very long time. Water from these underground reservoirs bubbles to the surface as springs in some parts of the country. And these... हाँ जी, क्या बोला उन्होंने? Springs, some part of the country. So, some part means few area. ठीक है, some का मतलब few. पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात तो की नहीं उसने, अनएक्सप्लोर्ड वर्ड उसने बोला ही नहीं. उन्होंने क्या बोला? सम पार्ट्स, कुछ पार्ट है कंट्री का. यहाँ पे कंट्री का नेम दिया हुआ है कि कौन सा है वो, ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में. सो इसका आंसर आएगा सी, अनएक्सप्लोर्ड, और पूरे ऑस्ट्रेलिया की तो बात ही नहीं हुई है. सो क्या बोला उन्होंने? फ्यू एरियाज. अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है वो कितने परसेंट है? Rare sources of permanent water were vital to early explorers of inland Australia and to other pioneers last century who used the springs for survival. But in many places, levels have fallen drastically through continuous use over the years. This has necessitated the pumping of the water to the surface. Remarkably, underground water sources in Australia supply about 18% of total water consumption. कितनी है underground water supply की? 18% है. तो 18% कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए में. सो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए. सो ओवरऑल देखते हैं, फर्स्ट में हमें पूछा था कि ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे ड्राई पार्ट कौन सा है. तो उन्होंने बोला कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे अंटार्कटिका है. सो दैट्स वाई आंसर हमारा आ गया सी. दूसरे क्वेश्चन में था कि वेपोरेशन रेट ऑस्ट्रेलिया में कैसा है, तो हायर की जगह पर उन्होंने बोला था मोर देन. ठीक है, तो ऑप्शन बी आ गया था. फिर हार्डली पेनिट्रेट क्यों होती है, उन्होंने बोला कि इसको प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं. सो प्लांट्स की बात कहाँ पे थी? ऑप्शन नंबर सी में थी. सो दैट्स वाई इसका आंसर आ गया था सी. फिर उसके बाद बोला कि जो सैंडी सॉइल है वो क्या होता है? सीप डाउन टू द रॉक होता है. ठीक है, डाउन की जगह पर बिलो बोला था उन्होंने. कि जो वाटर है वो मेनली किस चीज़ के लिए पंप किया जाता है? कहते हैं कि पीने के लिए, क्रॉप्स के लिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि सॉल्टी होता है. सो जो फार्मर्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं एनिमल्स को पिलाने के लिए. सो बी आ गया इसका आंसर. जो नेचुरल स्प्रिंग्स हैं वो कहाँ पे हैं? सम पार्ट्स ऑफ कंट्री. यहाँ पे है फ्यू एरिया, सम एरियाज की जगह पर फ्यू एरियाज हमें गिवन था. फिर उसके बाद था कि जो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई है वो कितने परसेंट थी, तो उन्होंने बोला 18% थी. ठीक है, ध्यान रखना कि 18 80 नहीं बोला उन्होंने. ठीक है,